हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मैं आपके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी, क्विक और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, और जिनका सेवन करके आपके अगर कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या कोई मांसपेशियों में खिंचाव है, या शरीर में किसी तरह का दर्द है, तो उससे आप राहत पा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे जेगरी या कैरेमलाइज्ड मखाने, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मखाने, 2 बड़े चम्मच गुड़, थोड़े से जो हैं अखरोट लिए हैं, और घी है 1 बड़ा चम्मच, थोड़े मगज़ के बीज लिए हैं। तो इनका यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। मगज़ के बीजों में मैंने तरबूज और खरबूजे के बीज लिए हैं, जो कि हमारे जो है दिमाग के लिए, मतलब हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग को सही रखते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम अपने जो मखाने हैं वो डाल लेते हैं और इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अच्छे से लो फ्लेम पर रखना है, धीरे धीरे चलाते हुए इनको जो है अच्छे से रोस्ट करना है। इनको फूल मखाने या फोक्स नट भी कहा जाता है, ये आसानी से जो है किराने की दुकान पे मिल जाते हैं। मखाने जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, इनको जो है पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। इनके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो है प्रचुर मात्रा में होता है, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। इसके अंदर प्रोटीन होने के कारण यह हमारे को, मतलब हमारे शरीर को फिट रखता है। इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होने के कारण यह मोटापे को भी दूर करता है। अब इसको चलाते हुए मुझे 5-7 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। जब ये मखाने पक जाते हैं तो ये ऐसे आसानी से टूट जाते हैं, ये ऐसे बिल्कुल, अगर मतलब नहीं पकेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, अगर अगर अच्छे से पक जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं अच्छे से, तो ये अच्छे से टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो है हमारे मखाने जो है पककर मतलब अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई रखते हैं दोबारा से और उसमें जो है घी डालते हैं। अब हमारा घी जो है वो पिघल चुका है, अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं और इसको भी लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको जो है नेचुरल मिठाई कहा जाता है। नेचुरल मिठाई कहा जाने वाला जो गुड़ है, ये सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि ये गुणों का भी, मतलब भरपूर जो पोषक तत्व है उनका भी समृद्ध भंडार होता है इसके अंदर। ये हमारे जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सही रखता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके जो है हमारे ब्लड को शुद्ध करता है और हमारी स्किन को जो है ग्लो बनाए रखता है, त्वचा को चमकदार बनाए रखता है, हड्डियों का जो दर्द है उसको भी दूर करता है। तो इस तरह से जो गुड़ के अनेक फायदे हैं, मुहासे तथा झुर्रियों को भी ये दूर रखने में मदद करता है, और एंटी एलर्जेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसके अंदर ये जो है एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला जो है होता है। इस तरह लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इस गुड़ को अच्छे से पिघला देंगे। अब हमारा सारा गुड़ जो है ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मखाने ऐड करेंगे। तो मखाने और जो गुड़ हैं दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही जो है न्यूट्रिशियस बनाते हैं। दोनों हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, दर्द के लिए, शरीर में जो है उसके लिए फायदेमंद होते हैं, और हमारे बाड़ों को, स्किन को जो है अच्छा स्वस्थ रखते हैं। अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने वो डाल देते हैं। कोई भी आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से जो अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम इनको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको इलायची फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इस पेज पे इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये इलायची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते हुए, ताकि ये सारे जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं।
और इन मखाना के ऊपर अच्छे से गुड़ और ये ड्राई फ्रूट जो हमने डाले हैं वो लग जाए। अगर आपको कोकोनट फ्लेवर अच्छी लगती है तो यहाँ आप ग्रेटेड कोकोनट भी इसके अंदर जो है डाल सकते हो, जिससे ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस और खाने में अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं, जिसको बड़े बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर है या लैक्टेटिंग मदर है, सब इनको खा सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, स्वस्थ रहें। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा करके आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के कई दिनों तक रख भी सकते हैं, लेकिन ये टेस्टी इतने बनते हैं कि कई दिनों तक इनको कोई छोड़ता ही नहीं है। तो ये हमारी जैगरी या कैरेमलाइज्ड मखाना रेसिपी बनके तैयार है। तो आप बनाएं, खाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।